Divine Vastu wishes you a new year that brings luck and prosperity, fills your home with joy and spirit. Merry Christmas and Happy New Year. पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है. मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है. मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रितु और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं. हमें जिंदगी से और क्या चाहिए. थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु. विजिट divinevastu.net. डॉक्टर रेवा कुमार, योर वास्तु स्पेशलिस्ट. Please remember that any remedy, suggestion, data, interpretation, prediction or information in any form during this radio show based on ancient Indian architectural science or Vastu Shastra should not be treated as substitute for advice or treatment you would normally receive from medical professionals, financial advisors, legal consultants and other such licensed services. रेडियो जिंदगी 1550 एम 99.7 HD3 FM पर मैं हूं आरजे सुनीता राज, स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के पसंदीदा शो में जिसका नाम है डिवाइन वास्तु. जी हां, अब समय हो गया है कि हर गुरुवार की तरह आपकी मुलाकात करवाई जाए द वास्तु सुपर स्पेशलिस्ट नन अदर देन रेवा कुमार वास्तु कंसल्टेंट के साथ. भाई, जिन्होंने वास्तु में PhD की है, जो वास्तु के फील्ड में 30 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव रखते हैं और जिनके 30,000 से भी ज्यादा सेटिस्फाइड क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, उन्हें तो वास्तु का GPS ही कहा जाएगा, क्योंकि आप जिंदगी के किसी भी चौराहे में कहीं भी अटक जाएं तो एक GPS ही आपको सही राह दिखाता है. कुछ ऐसा ही करती हैं वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, हु इज आल्सो फेलिसिटेटेड बाय नन अदर देन प्रेसिडेंट ओबामा हिमसेल्फ. तो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 1550 AM 99.7 HD3 HD3 FM पर डिवाइन वास्तु. मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है रेवा जी. अगर आप शो के दौरान रेवा जी से फोन पर बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो 5107701550 हमारे स्टूडियो का नंबर है. और अगर आप शो के बाद रेवा जी से किसी भी अपने घर या बिजनेस के बारे में कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं या पर्सनली उनसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉल हर एट 5108683338. द नंबर वंस अगेन इज 5108683338. divinevastu.net इनकी वेबसाइट है, और divineavc@gmail.com इनका ईमेल एड्रेस है. तो लेट्स वेलकम रेवा जी ऑन हर ओन शो डिवाइन वास्तु. रेवा जी, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? गुड आफ्टरनून सुनीता, और हमारे सभी लिसनर्स, आपको भी प्यार भरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून, थैंक यू. आप सबके साथ जुड़ चुके हुए हैं हमेशा की तरह. आज भी थर्सडे दोपहर 3:14 पे, और बड़े ही जोश के साथ में मेरे सामने सुनीता बैठे हैं, तो सुनीता का जोश देखकर वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. जी रेवा जी, आज तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमेशा आप वास्तु में दिशाओं की जब बात करती हैं तो आप साउथ ईस्ट के बारे में इतनी सारी बातें करती हैं, तो आज मैं ना एक क्वेश्चन प्रिपेयर ही करके आ गई हूँ कि मैं रेवा जी को शुरू होते से ही पूछूंगी. दैट्स ग्रेट, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्यों नहीं. तो मेरा क्वेश्चन ये था, एंड आई एम श्योर हमारे बहुत सारे लिसनर्स भी ये क्वेश्चन से बहुत सारी उनकी गलतफहमियां दूर हो जाएगी. मैं पूछना चाहती थी कि जो साउथ ईस्ट है उसका डिफेक्ट जो है होम या बिजनेस में किस तरह से होता है, या लाइफ में किसी भी पहलू में, अगर साउथ ईस्ट ठीक ना हो या साउथ ईस्ट क्या मायने रखता है वास्तु में, तो इसके बारे में रेवा जी आप बताइए. बिल्कुल, जैसे कि हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में, जी आज हम कर रहे हैं साउथ साउथ ईस्ट. सबसे पहले तो लिसनर से याद रखिए कि ये जो भी हमारी डायरेक्शन है सन की रोटेशन के हिसाब से है, द सेम फॉर द होल यूनिवर्स, जिसको हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं. अब जब ये साउथ साउथ ईस्ट आता है, ये डायरेक्शन हमारी फायर एलिमेंट के साथ है, और आप समझ भी सकते हैं द इफ एनी प्लेस इज इन द विद द रिलेटिव विद द फायर एलिमेंट, जो कंट्रोल करती है, और आप कह सकते हैं जो फायर रूल्स को लेती है हर ह्यूमन बींग्स के साथ, जो रिलेटेड है हमारी गुड अर्निंग, स्पेशली हेल्थ फॉर वुमेन, या फिजिकल पावर के साथ में, रिलेशनशिप्स में ले लीजिए, लव मैरिज है, हर तरह के रिलेशनशिप्स में.
यहाँ पर अगर कहीं पे भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट होता है तो वो लेकर आता है, क्या क्या इफेक्ट्स लेकर आता है वो आज हम डिस्कस करेंगे जी। एंड दैट इज रिलेटेड विद द फाइनेंशियल जरूर लेकर आता है, हेल्थ रिलेटेड जैसे मैंने बताया, स्पेशली फॉर द वुमेन बिकॉज दिस प्लैनेट इज रिलेटेड विद द वीनस। वीनस प्लैनेट किससे है? लेडीज के साथ है, फीमेल के साथ है, या हम आज कह सकते हैं कि माइट्रो प्रॉब्लम्स, शादी के बाद की भी कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इस डायरेक्शन के लिए सही अगर देखा जाए तो सिवाय किचन के कोई भी डायरेक्शन साउथ ईस्ट घर के लिए नहीं सूट करता जी। हाँ, बिजनेस में वर्क प्लेसेस पे हम रेकमेंड करते हैं कि अगर अकाउंटेंट हैं या अगर आप अकाउंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो साउथ ईस्ट में बैठें, या अगर आपका कोई कंपनी है आईटी कंपनी तो सर्वर है आपका वो आप साउथ ईस्ट में रखें, अगर रेस्टोरेंट है तो आपका किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए, अगर आपका लिकर स्टोर है तो वहां पर भी लिकर स्टोर से रिलेटेड जैसे कि आप फ्रीजर रखते हैं या कुछ भी है तो दैट इज ऑल्सो लिकर इज ऑल्सो आप सकते हैं कि हमारा फायर से रिलेटेड हम इसको कहते हैं, तो इसको आप साउथ ईस्ट की तरफ में अगर लिकर को ज्यादा डिस्प्ले करते हैं उससे आपको फायदा होता है। साथ ही साथ साउथ ईस्ट में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है वहां पर जिसको आप मेन खासकर अगर हम आप कह सकते हैं कि जस्ट लाइक आग को, पानी को आपको अवॉइड करना है, वाटर एलिमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है वहां पे, वाटर को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। तो अगर हमारे जो साउथ ईस्ट के डिफेक्ट्स होते हैं, अगर हमारा साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो वो भी कहीं ना कोई इश्यूज लेकर आता है। बेडरूम अगर साउथ ईस्ट में है या साउथ ईस्ट कॉर्नर हमारा कट गया है या वो एक्सटेंडेड है या स्लोप इन साउथ डायरेक्शन, मतलब कि साउथ ईस्ट हायर है और फिर साउथ की तरफ स्लोप आ रहा है, या हमारे घर के मेन एंट्रेंस डोर साउथ ईस्ट की तरफ में है, तो चाहे वो अपार्टमेंट हो, चाहे वो आप कह सकते हैं कि घर हो या बिजनेस प्लेस हो, वहां पे तरह तरह की कुछ प्रॉब्लम्स या ट्रबल्स आती हैं। सिर्फ एक हम लिकर स्टोर है जिसको हम अगर साउथ ईस्ट से हो तो उसको हम फिर भी बेटर मानते हैं कि वो आपको फायदा दे सकता है, लेकिन और कोई डायरेक्शंस नहीं। तो अब साउथ ईस्ट से जो डिफेक्ट्स आते हैं उसमें क्या जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इसका रीजन ये होता है सुनीता, क्योंकि वहां पर फायर है, फायर को अपनी जगह लेनी है। अगर साउथ ईस्ट में फायर को अपनी जगह नहीं मिलेगी तो वो प्रॉब्लम्स लेकर आएगी ही आएगी, क्योंकि फायर हैज टू टेक अ प्लेस। तो वहां पे क्या है, हेल्थ रिलेशंस के हेल्थ से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मेंटली डिप्रेशन आ जाता है या अजीब सी नेगेटिव थॉट्स हम ले लेते हैं, मेंटल रिलेटेड हमारी कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या फायर एक्सीडेंट्स भी कई बार हो जाते हैं। फाइनेंस की बहुत ट्रबल्स आती है अगर हमारा साउथ ईस्ट में, अगर हम उसको एंट्रेंस को लें, मेन एंट्रेंस डोर अगर हमारा साउथ ईस्ट में आता है तो बिजनेस में अगर होगा तो बिजनेस लॉस में लेके जा सकते हैं, या पर्सनल मनी है उससे लॉस हो जाता है, तरह तरह की जॉब की दौर से हमें निकलना पड़ता है, लेकिन हमारे को कई बार रिकॉग्नाइजेशन भी जॉब में नहीं मिलती है। सोशल लाइफ में सोशल इश्यूज को अगर मैं लेती हूँ, जैसे कि अगर साउथ ईस्ट में हमारा बेडरूम है तो वहां पर मैंने देखा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हस्बैंड वाइफ में रहती है, फ्रस्ट्रेशन आपस में, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई है, झगड़ा है, लीगल केसेस, कोर्ट केसेस। यहाँ साउथ ईस्ट अगर हमारा कहीं पे भी अगर आप बच्चों को दे देते हैं तो दैट इज दी वर्स्ट, इट इज ट्रू कि बिल्कुल बहुत मेरे क्लाइंट्स हैं जहां जहां मैंने देखा कि साउथ ईस्ट में अगर बच्चे सो रहे हैं, बच्चों का बेडरूम है वहां पर, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी देता है। साउथ ईस्ट में आपने कभी भी बच्चों को बेडरूम नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो वहां से फायर होकर बच्चे की जो एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे पेरेंट्स के साथ में, या बहुत ही जल्दी वो गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसे कि लिकर है, अल्कोहल है, इन सब चीजों में। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि साउथ ईस्ट को आप बिल्कुल एक तरह से बच्चों के साथ से अलग करके रखें। वहां फायर एलिमेंट है या तो किचन रहे, ज्यादा तो आप उसको एज ए गेस्ट रूम भी रख लीजिए। और जहां पर अगर आप देखते हैं कि भी बच्चों का बेडरूम है और साउथ ईस्ट में नहीं है, अगर कहीं डायरेक्शन में भी बेडरूम देते हैं और ईस्ट की अगर विंडो नहीं है, सपोज कर लीजिए उनका बेडरूम ईस्ट में है और ईस्ट की अगर वॉल भी बंद है, वहां पे विंडो नहीं है कोई किसी किस्म की, तो आपको वहां पर उस जगह को देने के लिए, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स देता है आपको सन, तो आपको वहां पे क्या करना है लिसनर्स, वहां पर आप या तो सूर्य का मेटल का सनफेस लगाइए या राइजिंग सन की पेंटिंग लगाइए ताकि बच्चों को ड्राइविंग फोर्स मिले, बच्चे स्टेग्नेट नहीं हो। बहुत जगह पे मिलता है कि बच्चों को यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ कि बच्चे बेडरूम में स्टडी करते हैं जो कि हम अवॉइड नहीं करते, जिसके लिए मैं अभी डिस्कस करूंगी, लेकिन साउथ ईस्ट में बच्चों को आप बिल्कुल ना पढ़ने दीजिए,
दीजिए ना वहां पर आप उन्हें सोने दीजिए। नेक्स्ट इसके साथ में किसी वजह से इफ यू फील कि अगर हमारे फैमिली में आप कोई इंटर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉन्फिडेंस की कमी है पर्टिकुलर फॉर दैट टाइम पीरियड यू कैन सिट इन साउथ ईस्ट कॉर्नर टू गेन द मोर आप कह सकते हैं कि फायर एनर्जी से जो आपको एक ड्राइविंग फोर्स देगी और आपको एक कॉन्फिडेंस देगी उस टाइम पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां पर ही साउथ ईस्ट अगर लॉट एक्सटेंडेड हो जाए जैसे कि अगर एल शेप में पीछे से एल शेप है मतलब कि जो साउथ ईस्ट आपका एक्सटेंड हो गया और साउथ और साउथ वेस्ट सॉरी आपका साउथ और साउथ वेस्ट आपका कम आ गया अगर आपका कुछ ऐसा पोर्शन आता है तो वहां पे बहुत ही ज्यादा पर्सनल फैमिली इश्यूज आ जाते हैं। लड़ाई है झगड़ा है डिवोर्स है लीगल केशन है कॉप्स का है इन सब चीजों के हमारे साथ में गुजरना पड़ता है। लेकिन इन सबको हम बहुत इजिली रेक्टिफाई भी कर सकते हैं ये बात नहीं है कि हम लोग इन्हें रेक्टिफाई नहीं कर सकते बट दीज आर द मेन थिंग्स विच वी हैव टू अवॉइड स्पेशल इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा साउथ ईस्ट फेसिंग घर है तो वो हमारे को बहुत फायदा दे रहा है या पैसा दे रहा है जी नहीं वो आपको लगेगा कि आपको पैसा है लेकिन वो पैसा एक गलत तरीके से पैसा घर के अंदर में आता है वो पैसा आपके लिए किसी गलत तरीके से चला जाएगा चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम्स में हेल्थ इश्यूज में चला जाए चाहे वो आपका लिटिगेशन में वो पैसा चला जाए चाहे वो आपका पर्सनल लड़ाई झगड़े में चला जाए या कहीं और किसी वजह से लॉस हो जाए। और ना ही साउथ ईस्ट अगर मेन एंट्रेंस डोर है अगर टी जंक्शन में आ रहा है या वाई जंक्शन में आ रहा है तो दैट ऑल्सो ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी। सो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड इफ यू आर गोइंग फॉर एनी न्यू प्रॉपर्टी और इन योर होम या आपका कोई बिजनेस है या कुछ है कि साउथ ईस्ट का क्या लेवल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ वेस्ट का फ्लोर लेवल ठीक जा रहा है तो साउथ ईस्ट का लो लेवल हो जाए या साउथ ईस्ट हाई हो जाए तो नॉर्थ वेस्ट लो हो जाए। इट हैज टू बी द सेम लो लेवल होना है उस बिल्कुल बैलेंस लेवल होना चाहिए। और साउथ ईस्ट में अगर किचन है तो आप ये मैं सही बता रही हूँ कि आप देखेंगे जब फायर को पन हो तो आप 80% अपने घर के इश्यूज को खत्म बहुत इजी कर सकते हैं बिकॉज दिस इज रिलेटेड विथ योर पर्सनल लाइफ दिस इज रिलेटेड विथ योर फाइनेंस दिस इज रिलेटेड विथ योर चिल्ड्रन दिस इज रिलेटेड विथ योर अदर प्रॉब्लम इश्यूज ऑल्सो टू गेट इट बैलेंस। उस साउथ ईस्ट में जहां पर आप देखें कि हमारी साउथ ईस्ट में किचन नहीं है फायर नहीं है तो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए या साउथ ईस्ट में कहीं पे भी मास्टर बेडरूम नहीं बनाएं। हाँ अगर आपका ऑलरेडी है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करें दैट इज आवर सेकेंड पार्ट। जी रेवा जी ये तो बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपने दी है रेवा जी और इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन रेडियो जब रेवा जी दे सकती तो आप सोचिए कि अगर पर्सनली आप कंसल्ट कर रहे हैं तो कितनी बारीकी से आपको रेवा जी समझाएंगी। लिसनर्स रेडियो पर डिवाइन वास्तु आप सुन रहे हैं हमारे साथ रेवा जी हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप स्टूडियो में कॉल कर ही सकते हैं 5107701550 पर अगर आप पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप रेवा जी से बात कर सकते हैं। आफ्टर द शो यू कैन मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर पर्सनल कंसल्टेशन एंड द नंबर टू रीच हर इज 5108683338। हर वेबसाइट इज divinevastu.net एंड हर ईमेल एड्रेस इज divineavc@gmail.com। यहां पर मैं एक और बात जरूर बताना चाहूंगी कि अभी रेवा जी एक स्पेशल प्रमोशन कर रही हैं। शी इज ऑफरिंग a discount if you get the package for your home as well as your business. So we'll get into that again. But let's start taking the calls for now. All right, Reva ji, हमारे बहुत सारे callers जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं. सबसे पहली caller है Firoza Nisha. जी Firoza, you are live on air with Reva ji. Hi Reva ji, I have a question. I'm filing for a divorce. Just wanted to know when it's gonna. कब मेरा डिवोर्स प्रोसेस हो जाएगा? उसके लिए अगर फिरोजा जी आप बात करना चाहते हैं कि देखिए ये तो आपका पर्सनल मैटर है कि आप डिवोर्स लेना चाहते हैं मैं तो यही कहूंगी कि कोशिश करिए कि ना ही हो एक अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अगर आप अपनी लाइफ को कर सकते हैं तो इट्स गुड। लेकिन फॉर एनी रीजन आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन व्हाट्स द कॉज कि जो अगर आपको कोई ना कोई रीजन होना ही चाहिए जो इतना बड़ा आप स्टेप उठा रही हैं तो उसके लिए कब हो जाएगा मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको जवाब नहीं दे सकती लेकिन अगर एज अ वास्तु अगर आप उसको चाहते हैं इसको टाइम से करने के लिए तो डिवोर्स रिलेटेड पेपर को आप साउथ वेस्ट में मत रखिए उस पेपर्स को डॉक्यूमेंट्स को। ओके नहीं मैंने ऑलरेडी कर दिया है एवरीथिंग इज डन। अगर डन हो गया है तो फिर आप क्या चाहते हैं? जो मेरा जो लॉयर है वो कब मेरा कब होगा लाइक एवरीथिंग वो डिले बहुत करती है लाइक तो आप उसको नॉर्थ वेस्ट में फाइल को रख दीजिए आप बहुत जल्दी आप में ये केस हो जाएगा।
नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, जो आपका घर का नॉर्थ वेस्ट, हाँ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एयर एलिमेंट है। अगर आप कोर्ट से केसेस या कोर्ट लिटिगेशन की फाइल्स को वहाँ पे रखते हैं तो बहुत जल्दी वो केस का फैसला होगा और आपकी फेवर में होगा। तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं अभी, पेपर कुछ भी नहीं दिया, वो पैसे ले लिए हैं मेरे से, बट दे आर टेकिंग देयर टाइम, कॉल भी करती हूँ उन लोगों का, आई डोंट नो। उसके लिए आप अटॉर्नी से जरूर बात करिए, पेपर्स आप पेपर्स लीजिए, फाइल बनाइए एंड जस्ट ट्राई टू कीप इट इन द नॉर्थ वेस्ट, डेफिनेटली नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस। ओके थैंक यू। व्हाट अबाउट माय लव लाइफ, कैन यू टेल मी दिस ईयर? देखिए एस्ट्रोलॉजिकल दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, देन द राइट नंबर इज रितेश जी से आप बात कर सकती हैं, लेकिन लव लाइफ को इनहेंस करने के लिए साउथ वेस्ट में सोइए, आपकी लव लाइफ अपने आप इनहेंस हो जाएगी। साउथ वेस्ट में सोना पड़ेगा मुझे, डेफिनेटली साउथ वेस्ट। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और आपसे ये बात करना चाहती है, मयूरी जी, मयूरी मैं इसके पास ही बैठी जी। मयूरी जी बताइए, हाउ आर यू? हेलो रेवा जी, नमस्कार। नमस्ते मयूरी जी, कैसे हैं आप, हाउ आर यू? बस ठीक है, थैंक यू फॉर डूइंग वंडरफुल सर्विस फॉर आवर कम्युनिटी। कीप इट अप। थैंक यू मयूरी जी, गॉड ब्लेस यू। या थैंक यू जी। या यू वेलकम। आई विल गिव इट टू आवर बैक। थैंक यू सो मच। थैंक यू फिरोजा एंड मयूरी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन एयर विद अस। रेवा जी हमारी अगली कॉलर हैं, किरण जी। किरण जी बताइए। हाँ जी जी, रेवा जी से बात कर सकती हूँ? जी हाँ जी, बोलिए, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी रेवा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, मैंने करनी थी कि मेरी बेटी की घर में और कोई नहीं है, मतलब मेरी बड़ी बेटी है जो इनकम का साधन कोई नहीं है, काफी देर से हम ट्राई कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ग्रेजुएट भी हो गई है लेकिन जॉब का कुछ नहीं हो रहा है उसका। तो अगर घर की मैं इंटरेस्ट देखूं तो अगर मैं वो मेन डोर पे खड़ी होती हूँ तो नॉर्थ वेस्ट 320 डिग्री जी मतलब आता है जी। तो अगर मैं सेंटर में खड़ी होती हूँ तो 352 डिग्री 352 डिग्री नॉर्थ आता है सेंटर में। मतलब जब आप सेंटर से खड़े हैं इसका मतलब कि आपका जो घर फेस कर रहा है नॉर्थ को कर रहा है, लेकिन जब सामने देख रही है तो घर का दरवाजा थोड़ा साइड में कर आता है, जब लेफ्ट साइड में आता है आपका एंट्रेंस डोर, इज इट राइट? हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, हाँ जी हाँ जी, तो मतलब कुछ घर का दरवाजा थोड़ा साइड में करके हैं, तो एंट्रेंस डोर को हम काउंट कर रहे हैं इस समय जो नॉर्थ वेस्ट को आता है। जब नॉर्थ वेस्ट में आता है तो घर में इस समय आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जॉब की तरफ नहीं मिल रहा। मैं आपसे एक एडवाइस करूंगी कि अगर आपके घर में नॉर्थ की तरफ में नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर है वहां पर कोई बाथरूम या किचन तो नहीं है? हाँ जी, किचन भी है और बाथरूम भी है। हाँ, अगर वो बाथरूम या किचन है तो जिसकी वजह से जॉब उलने में उनको परेशानी हो रही है, या तो आप अपना फ्लोर प्लान को ड्रॉ करके आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपको तब बताऊंगी क्या रेमेडी करें, नहीं तो आपको मैं एक वैसे सिंपल रेमेडी बता सकती हूँ जो आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है, कि क्योंकि किचन का जो कुकिंग कर रही है वो नॉर्थ की तरफ मुंह करके खाना बना रही है, आप कुकिंग स्टोव के चारों तरफ चांदी का तार लगा दीजिए। हाँ जी, वो लगा दिया है, और आपने धनिया बोला था, हाँ जी वो भी मैंने रख दिया है, अब और फिर आप वो पर्ल भी बोला था आपने, वो आप, भी मैंने कर दिया आप है, फिर उनको तो एक ही काम करिए, आप एक ही काम हाँ करिए उनका, फिर मेन एंट्रेंस डोर जो आपका नॉर्थ वेस्ट है। मैं आपके हाँ जरिए बाकी सभी लिसनर्स को भी बताना चाहती हूँ, देखिए वास्तु क्या है, वास्तु एक मटका है, एक मटके में अगर 5 छेद हैं तो आपको किरण जी 5 के 5 ही छेद फिक्स करने हैं। अगर आप सोचते हैं कि हमने 4 छेद फिक्स कर लिए, अगर एक भी खुला रहेगा तो घर उसकी एनर्जी पानी लीक रहेगा। द सेम वे ऑफ हेयर, कि अगर हमने 3 रेमेडीज किचन की कर दी लेकिन फिर भी उस बच्चे को जॉब नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब कि कोई ना कोई और डिफेक्ट तो है। वो डिफेक्ट क्या है कि जैसे आज आपने मेरे को बताया कि नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस डोर है, कि नॉर्थ वेस्ट हमारे को एयर एलिमेंट स्टेबल नहीं देता, तो मेरी आपसे एडवाइस है कि एक तो आप उसको नॉर्थ वेस्ट में घर के बाहर 5, 6 और 7 तीनों में से किसी एक नंबर की येलो कलर की मेटल की विंड चाइम को हैंग कर दीजिए। 5 की हुई है मैंने 5 की मेटल की येलो कलर की विंड चाइम को हैंग कर दीजिए, और शाम के टाइम पूरा कोशिश करिए कि आपके घर की लाइट्स जरूर ऑन रहें।
ये भी मैं करती हूँ। हाँ जी, बस आप ये करिए, आपको विदिन डेज देखिए और उसका मुझे डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिएगा अपनी डॉटर का। लेट मी सी अकॉर्डिंग टू हर जॉडिक साइन कौन सा एलिमेंट है, उससे रिलेटेड मैं आपको टिप ईमेल कर दूंगी जिसको आप पर्टिकुलर लिविंग रूम में उस रेमेडी को करेंगे टू गेट ए जॉब फॉर हर। थैंक यू सो मच रेवा जी, मैं आपको बुलाना चाहती थी लेकिन मेरी वो इतनी नहीं है कि मैं आपको कर सकूं, आप समझ रही हैं। मैं चाहती थी मेरी बेटी की किस तरह जॉब लग जाए ताकि मैं आपको बुला सकूं घर पर। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, जॉब मिल जाएगा। आप मुझे उनका डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए एक बार, लेट मी चेक इट। ओके, थैंक यू सो मच रेवा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। रेवा जी, हमारे अगले कॉलर हैं स्वप्निल। स्वप्निल, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। या नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। एक्चुअली माय क्वेश्चन इज लाइक आई हैव अ एलिमेंट्री एज किड एंड हिज बेडरूम इज इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड हिज स्टडी टेबल इज आल्सो इन दैट रूम। सो आई जस्ट हर्ड यू, सो माय क्वेश्चन इज लाइक इट इज अनअवॉइडेबल बिकॉज ऑफ सम रीजंस, सो आर देयर एनी रेमेडीज दैट वी कैन डू टू रिड्यूस द नेगेटिविटी ऑफ दिस? Yes, Swapnil, sure. We are having the remedy also. Lekin phir bhi main aapse, agar if you are having any room in the east direction, can you use that room for him? Actually, east is only like living room and family room is there. Oh, okay. तो फिर आप एक काम करिए, अब आप इस बच्चे का इफ दे आर स्लीपिंग इन द सेम रूम, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट अ ग्रीन लाइट इन देयर बेडरूम। ओके, ग्रीन कलर का बेडरूम में लाइट लगाइए, डोंट गिव एनी कलर ब्लैक और रेड पर्टिकुलर इन दिस बेडरूम। ओके, श्योर। थर्ड यू हैव टू डू, लेट द हेड बी ऑन द साउथ और वेस्ट डायरेक्शन। ओके, योर हेड इज ऑन साउथ, यस। साउथ और वेस्ट, यू हैव टू लीव द पर्टिकुलर दैट साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ दैट रूम दैट इज अराउंड 120 to 140 degrees। ओके, लीव दैट कॉर्नर, वहां पे 120-140 degrees पे वहां पर आप ग्रीन कलर का लाइट लगाइए। कमरे में अगर आप कोई भी सॉफ्ट कलर जैसे लाइक अ सिल्वर, व्हाइट और पिंक कलर लाइट दे सकते हो, पर अगर बॉय है तो आप पिंक देना नहीं पसंद करेंगे, तो यू कैन गो फॉर द सिल्वर कलर। ओके, तो सिल्वर कलर का व्हाट, सिल्वर कलर अगर आप वॉल्स पे दे दें, वॉल और सीलिंग का कलर सेम नहीं होना चाहिए। ओके, और द नेक्स्ट, सिल्वर वायर जो चांदी का तार होता है उसके बेडरूम में बाहर की साइड में पूरा, यू जस्ट पुट अराउंड दैट वुडन डोर। ओके, सिल्वर वायर अराउंड द डोर, यस। यू हैव टू अवॉइड दैट मिरर इन द रूम। ओके, आई एम सॉरी, अवॉइड व्हाट? मिरर। ओह, मिरर, ओके। बिल्कुल मिरर रूम में नहीं दें, जो उसके कंफर्ट्स हैं, कंफर्ट्स को आप कोशिश करिए, अगर आप व्हाइट कलर के या पिंक कलर का या जस्ट लाइक व्हाइट और रेड कलर का फ्लावर हो जाए कंफर्ट के ऊपर में, बिल्कुल लाइट रेड, अगर वो व्हाइट कलर में देते हैं या बेडशीट उनके वो देंगे वो ज्यादा बेहतर रहेंगी। ओके, सो व्हाइट एंड रेड इज गुड फॉर बेडशीट एंड कम्फर्ट, नॉट डार्क रेड, आई ओनली वॉन्ट द सॉफ्ट रेड, जस्ट लाइक अ फ्लावर हो जाए, सॉफ्ट रेड हो जाए। अब ये देखिए कि ये तो मैंने इनको सोने का डायरेक्शन दे दिया, लेकिन इफ द चाइल्ड इज स्टडिंग इन द सेम रूम, अगर इसी रूम में पढ़ने के लिए, अगर इज इट पॉसिबल टू अवॉइड लेटर सिट इन द ईस्ट डायरेक्शन, इज इट पॉसिबल? या ऑफ कोर्स वी कैन मूव द स्टडी टेबल, दैट्स समथिंग वी कैन मूव, या दैट यू कैन मूव। तो ये मेरा आपसे एडवाइज है कि उनको स्टडी मत करने दीजिए उस रूम के अंदर, लेट देम स्लीप। ओके, एंड एवरीथिंग, हाउ अबाउट लाइक कर्टेन्स एंड रग्स, आई मीन इफ वी कैन एनहांस लाइक ग्रीन कलर इन दोज टू, विल इट अफेक्ट, आई मीन ओवरऑल ग्रीन कलर, इफ वी कैन एनहांस द रूम बाय? नो, डोंट गो फॉर एनी ग्रीन कलर, बट दिस इज द साउथ ईस्ट कॉर्नर, वी कैन गो फॉर एनी सॉफ्ट कलर, जस्ट लाइक यू कैन गो फॉर लाइट पिंक और ग्रीन, पिंक हम यूज नहीं कर रहे हैं, यू कैन गो फॉर ऑफ व्हाइट, व्हाइट और सिल्वर, अवॉइड ग्रीन एंड येलो, रेड, ब्लैक, ऑल दिस कलर हैज टू बी अवॉइड इन दिस रूम। Okay, and green light is fine. Green light is very fine, yeah, but we cannot go for the green color. आप curtains लगा सकती हैं, ऑफ व्हाइट कलर के, सिल्वर कलर के curtains लगा दीजिए. We have to make this fire cool. Right, okay. We have to make this fire cool. इसको cool करना है हमने इस fire को, ना कि इसको हमने, लेकिन दीवार पे paint जो green color का नहीं दे सकते इसको हम. Okay, sure, Reva ji. Thank you so much. You're always welcome. और जो उसका स्टडी टेबल है या बेड है, कोई भी मेटल का बिल्कुल नहीं दें, बच्चों को भी सभी स्पेशल कहा जाता है, डोंट गिव दम एनी मेटल, स्क्वेयर या रेक्टेंगल टेबल दें, वुड का टेबल दें, वुड का चेयर दें, सॉलिड चेयर दें, उस वजह इस तरह से उन्हें बिठाएं, दे विल डू गुड।
ओके, थैंक यू सो मच रेवा जी, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन. इससे पहले कि अगले कॉलर को ऑन एयर लूं, आपसे अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो बता दूं, रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं स्टूडियो में. हमारे स्टूडियो का नंबर है 5107701550. रेवा जी से पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338. दैट नंबर वंस अगेन इज 5108683338. रेवा जी की वेबसाइट है divinevastu.net. चलिए थैंक यू कहना चाहते हैं मोहिंदर जी को जो कब से होल्ड करके बैठे हैं. थैंक यू सो मच मोहिंदर जी फॉर होल्डिंग एंड यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी नाउ. हेलो रेवा जी, नमस्कार. नमस्कार जी. मेरा नाम मोहिंदर है जी. और मैं पूछना चाहता हूँ इस साल ये मेरे लिए कैसे रहेगा और फिर घर घुर वगैरह लेने का कोई है इस साल में. देखिए, मैं तो कहती हूँ घर सबको मिलता रहता है और बहुत जल्दी मिलता है. घर एस्ट्रोलॉजिकल कब लेंगे उसमें रितेश जी मदद करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आप किस डायरेक्शन का घर लीजिए जो आपको फायदा दे. वो आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना वाइफ का डेट ऑफ बर्थ या घर में जो बच्चे हैं उनका भेज दीजिए. ईमेल करिए, लेट मी सी योर जोडियक साइन, योर एलिमेंट, क्वालिटी एंड प्लैनेट. अकॉर्डिंग टू दैट वी लेट यू नो विच डायरेक्शन इज फेवरेबल फॉर यू. ठीक है जी. ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. वशिष्ठ जी हमारे अगले कॉलर है रेवा जी, ही इज लाइव ऑन एयर. जी बताइए वशिष्ठ जी. Namaskar, Deva ji. Namaskar. I have a question. I bought a new house which has northeast facing door. Ji. But we don't enter from there. We enter from the east facing garage. It's just perpendicular to the door. Ji. So is that all right? I mean, we always enter from the garage, number one, and the kitchen is just above the garage. Just above the garage. The kitchen is in the east towards south, towards the south southeast, or that is towards the north. So it would be southeast, southwest, I think. फिर अबव द गैराज कैसे हो सकती है जब आपका गैराज ईस्ट में देन किचन. यस मैम, सॉरी, ईस्ट इज नॉट साउथ ईस्ट. हाँ, तो फिर साउथ वेस्ट नहीं होगी. और चूल्हा जो है ईस्ट फेसिंग है. नहीं, दैट्स गुड. अगर आपका घर नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रहा है और जो गैराज है आपका ईस्ट की तरफ से आ रहा है तो दैट्स वेरी गुड. ऐसी कोई बात नहीं, आप ईस्ट से भी एंटर कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट मेन एंट्रेंस से भी एंटर करेंगे. इसमें मैं आपको एक एडवाइस जरूर कहूंगी कि घर में एक बार जरूर कोशिश करिए कि आप नॉर्थ ईस्ट से एंटर करें. सेकेंडली, जो आप किचन बता रहे हैं कि किचन आपका अबव गैराज है, गैराज के ऊपर आपका किचन आ रहा है, तो अगर वो किचन अकॉर्डिंग टू यू, मैं आई एम गिविंग यू द रेमेडीज कि अगर वो किचन आपके जैसे बता रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में है, किचन टुवर्ड्स साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है और ईस्ट की तरफ खाना बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो किचन एंट्रेंस डोर की तरफ जा रहा है तो गलत है. जी, समझ में आ गया. परहैप्स आफ्टर द कॉल आई विल गेट इन टच विद यू फॉर द डिटेल्स. यू आर ऑलवेज वेलकम. आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं. divinevc@gmail.com रेवा जी का ईमेल एड्रेस है. रेवा जी हमारी अगली कॉलर हैं सुखमिंदर जी. जी बताइए सुखमिंदर जी. हेलो, नमस्कार रेवा जी. नमस्कार जी. नमस्ते रेवा जी. नमस्ते जी. नमस्ते जी. हाँ जी रेवा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा डिवोर्स हो जाएगा कि रुक जाएगा. तुसी सुखमिंदर जी, अगर एस्ट्रोलॉजिकल जिस तरह मैं तुहानू नहीं दस सकती कि होएगा या रुकेगा, पहले तो मैं ही कहूंगी कि रब करे तुहाडा घर वसिया रहे. अगर फिर भी तुहाडा कोई सवाल है किसी वजह तो तुसी डिवोर्स चाहते ही है गए हो, कोई पर्सनल अपने ही तुहाडे सवाल ने, तो ओहदे नाल होएगा या रुक जाएगा वो तुसी रितेश जी को पूछ सकते हो. लेकिन मैं तुहानू अगर तुसी चाहते हो कि तुहाडा डिवोर्स नहीं ही होवे, तुहाडा रिलेशन बने रहे, मैं उत्थे तुहाडी दस सकनी हां कि किस तरह तुसी कड़े रूम नू यूज करो, कड़ी डायरेक्शन नू यूज करो टू गेट द स्टेबिलिटी इन योर रिलेशन. पर मैं भी रखना ही नहीं चाहती रेवा जी, मैं की करा जे इतना टूटे जावे बस, क्योंकि मेरा हस्बैंड ना बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड ना घूमता फिरदा, मेरी केयर नहीं करता. देखो जिस टाइम साडे नाल इस तरीके दे जब सवाल आंदे हैगे ते असीं जरूर कहने हैगे ते तुसीं कार दी साउथ ईस्ट डायरेक्शन नूं देखो. अगर तुहाडा बेडरूम साउथ ईस्ट वाले पासे होवेगा ते जरूर पता चलेगा कि कुछ, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, कोई दूसरा रिलेशन, थर्ड लेडी इंटरफेयर या कोई थर्ड पर्सन दी इंटरफेरेंस लाइफ च आनी शुरू हो जाती है. या साउथ ईस्ट साडा जिस टाइम मैं पहले गल कर रही सी एक्सटेंडेड होएगा तो उत्थे डिवोर्स वगैरह दी नौबत आंदी हैगी है. किसी वजह तो अगर तुसीं सोचदे हो कि नहीं करना चाहते है, नई रिलेशन नु रखना चाहते, फिर तुसी अपनी फाइल जड़ी है नॉर्थ वेस्ट वाले पासे अगर रख दो तो थोड़ा फैसला जल्दी हो सकता है. ठीक है,
ਰਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਕੇਜੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 5109313107. ओके रेवा जी, थैंक यू, यू वेलकम, थैंक यू सो मच. रंजना जी योर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी. नमस्ते रंजना जी. या रंजना जी थोड़ा सा फोन के पास बोलिए बिकॉज इट वाज हार्ड टू हियर हर वॉइस. ओ मैं पूछना था ना, मेरा डॉटर के क्या बताती है कि उनका लव लाइफ साउथ वेस्ट. देखिए ऐसा है, लव लाइफ हम दो तरह का लेते हैं. साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में अगर जिसका शादी नहीं हो रहा हो, शादी में डिले हो, उनको हम कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में लीजिए. साउथ वेस्ट में हम उस समय बोलते हैं लव लाइफ को अगर आपका शादी हो गया है या आपके साथ में आपकी लाइफ में कोई आपके पसंद का है और आप उसको स्टेबल करना चाहते हैं तो साउथ वेस्ट में यूज करें, उस कमरे को यूज करें. लेकिन अगर लड़की है, लव अफेयर है और अभी शादी नहीं हुई है और वो साउथ वेस्ट में सो रही है तो उसके लिए वो कामयाबी नहीं होती, तो फिर वो घर में ही रहती हैं. तो पहले तो आप रंजना जी ये देखें कि शादी होनी है या शादी हो चुकी है, किस तरह से उनका रिलेशन है, उसी के हिसाब से मैं आपको रेमेडी दे सकती हूँ. या मुझे ईमेल कर दीजिए शो के बाद में, डेफिनेटली वी विल टेक केयर फॉर दिस. शादी हो गई ना, शादी होकर अगर उनका प्रॉब्लम चल रहा है तो उन्हें साउथ वेस्ट बिल्कुल मत दीजिए. अगर वो ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जहां पे साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है, यहां इतना पावरफुल है अर्थ एलिमेंट, अगर कि कोई लड़की रहती है इस कमरे में और शादी होने के बाद में भी अगर उसका कमरा वही साउथ वेस्ट है पेरेंट्स के घर का, तो 99% या 100% हमें ये केसेस आते हैं कि वो लोग लड़कियां वापस अपने पेरेंट्स के घर आ जाती हैं. लेट देम बी इन द वेस्ट डायरेक्शन और इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, दैट्स एडवाइजेबल फॉर स्पेशली फॉर द गर्ल्स. जिनकी शादी हो गई हो अगर अपने पेरेंट्स के घर में भी आती है, लेट देम स्लीप इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस. जी ऑल राइट रंजना जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. हमारे अगले कॉलर है देवेंद्र बंसल जी. जी देवेंद्र जी बताइए. हाँ जी नमस्ते जी. नमस्ते जी. नव वर्ष मंगल में हो आप, कभी बहुत मंगल में हो. अच्छा मैंने वास्तव में एक सच्ची बात बतानी है आपको. जी जी देवेंद्र जी, हमने 93 में मकान लिया था. देवेंद्र जी सॉरी, आप एक बार अपने रेडियो अगर चालू है पीछे तो उन्हें जरा बंद कर दीजिए प्लीज. सॉरी सॉरी, दैट्स माय मिस्टेक. नो प्रॉब्लम. तो वो क्या हुआ कि हमें उस टाइम तो पता नहीं था कुछ डायरेक्शन वगैरह का ना जी, तो हमने साउथ ईस्ट में ही मकान लिया था जी. तो हम इतने बुरी तरह फंस गए, वैसे रहे तो हम 18-19 साल, पर आखिर में बिल्कुल ब्रोक हो गए हम, मकान भी फोर क्लोज हो गया जी. बिल्कुल मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ ये. जी बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात है. जो डायरेक्शन वाली बात है ना, ये बिल्कुल सच्ची है कि हमारा साउथ ईस्ट में ही था मकान जी. और हम फोर क्लोज भी हो गए. फिर अब जो हम मोबाइल होम में रहते हैं जी, वो एग्जैक्ट ईस्ट में है उसकी डायरेक्शन. हाँ जी. और हम बिल्कुल अब प्रोस्परस हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेरी गुड, सब कुछ ठीक हो गया है. बहुत ही अच्छी बात है देवेंद्र जी. और इट इज ट्रू, ये डायरेक्शन इतनी, ये डायरेक्शन में अगर साउथ ईस्ट में जैसे कि आपने बताया कि 18 साल रहे, ऐसे घर अगर आप नोट करें, अगर आपको याद कर रिकलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये घर तीसरे साल में, पांचवां साल, सातवां साल, तेरहवां साल, पंद्रहवां साल इतना हिला के रख देता है आदमी को कि आदमी वैसे ही टूट जाता है. पर्टिकुलर इसका टाइम है, मैं $71,000 लूज कर गया था मैं. Oh, और बिल्कुल ब्रोक हो गया जब मैं गया, मेरे हाथ में सिर्फ $700 थे. अच्छा जब वो नए मकान में गया, फोर क्लोज भी हो गया मेरा मकान. चलिए अभी आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन है जो आपको प्रॉस्पेरिटी देता है, फेम देता है, नेम देता है. तो बहुत ही अच्छी बात है, भगवान करे आपके जीवन में कोई भी बच्चों का रूम, हमारा मास्टर बेडरूम कोई भी साउथ में नहीं है. अगर अपना बेडरूम, अगर आप देखिए इसकी भी एक पर्टिकुलर एज होती है, अगर अबव 50 इयर्स के अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है तो आपका अच्छा है, लेकिन बिलो 50 अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो आपको बहुत फायदा देगा. नहीं हम, मैं 66 हूँ जी और मेरी वाइफ 60 है जी, तो फिर ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है. इस टाइम डायरेक्शन जो है बिल्कुल सही डायरेक्शन है कमरे का. हाँ जी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है जी. धन्यवाद जी. थैंक यू, थैंक यू सो मच. यही बताना, थैंक यू, थैंक यू.
तो सुनीता देखिए कि डायरेक्शंस कोई भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके कि ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इस डायरेक्शन का क्या फायदा होता है या क्या नुकसान होता है। जब हम विजिट भी करते हैं तो मैं क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि अगर मैं भी इस प्रॉपर्टी में रह रही हूँ तो मेरे को भी सेम ही इस तरह के इश्यूज आएंगे जी। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि अब किसी ने साउथ ईस्ट ले लिया है या प्रॉपर्टी नहीं ले, नहीं तो ये तो प्रॉपर्टी रिलेटेड तो मेरे को बोलेंगे रेवा बेटर गेट आउट कि आप ये बोल देती है ये डायरेक्शन नहीं ले। मैं ये कहती हूँ कि डायरेक्शंस हम अवॉइड कर सकते हैं, इट इज ट्रू वी ऑलवेज से, लेकिन अगर हमारे को कोई डायरेक्शन मिल भी रही है तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। हमारी यही कोशिश होती है कि जो हमारी स्पेशलिटी है डिवाइन वास्तु की कि जो आप रेक्टिफाई, जहां आपको रेनोवेट नहीं करना पड़े, रीमॉडलिंग नहीं करनी पड़े, अगर किचन सही जगह पे नहीं है, एंट्रेंस डोर सही जगह पे नहीं है, तो वी कैन रेक्टिफाई इट विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन। दिस इज आवर स्पेशलिटी जी। तो आपने बताया था ना उस समय, अभी मैंने डिवाइन जंक्शन में जब हमने बात की थी आपने बताया था डिफेक्ट्स इफेक्ट्स रेक्टिफाई एंड रिजोल्यूशन, तो मुझे तो ये रट्टा मार चुकी हूँ मैं इन चार मंत्रा को। तो लिसनर्स अगर आप हमें अभी भी कॉल कर रहे हैं तो अब हम कॉल्स रेवा जी के कंसल्टेशन के लिए तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन पर्सनली कंसल्ट आप कर सकते हैं रेवा जी को। नंबर है 5108683338। रेवा जी की वेबसाइट है divinevastu.net और उनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com। अब समय हो गया है कि हम आपको मोड़ें उस दूसरे पड़ाव की ओर जहां पर आप खेलते हैं एक ट्रिविया क्वेश्चन हमारे साथ में, उसका जवाब देते हैं और रेवा जी विनर्स भी अनाउंस करती है और बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस लेकर आते हैं। तो सबसे पहले तो अ बिग थैंक यू टू अवर मेन स्पॉन्सर रॉयल राइज, थैंक यू सो मच फॉर स्पॉन्सरिंग दिस शो। और इससे पहले कि हम ट्रिविया खेलें रेवा जी, लेट्स गिव दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस हैप्पीनेस प्रोग्राम। जी हाँ, ये तो बिल्कुल, ये तो जरूर हमारे सभी लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहिए। कौन खुश नहीं होना चाहता? बिल्कुल बिल्कुल, सभी खुश होना चाहते हैं और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, खुश रहना ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, और अगर आप भी खुश रहना चाहते हैं तो लर्न द टेक्निक्स फरवरी 6 से 9 के बीच में एवरग्रीन एलिमेंट्री स्कूल इन साउथ सैन होजे, वहां पर एक हैप्पीनेस प्रोग्राम हो रहा है विद माइकल फिशमैन एंड ही इज एन इंटरनेशनल ट्रेनर एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर। अगर आप सोच रहे हैं कि ये है क्या, तो इट्स एन इनिशिएटिव टू डी स्ट्रेस रिवाइव एंड रीचार्ज फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ द योगा ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन टेक्निक। अगर आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं यू कैन विजिट BeHappySanJose.org। अगेन इट्स BeHappySanJose.org। फरवरी 6 से 9 के बीच में हैं ये वर्कशॉप्स और माइकल फिशमैन हैं जो कि हु इज अ इंटरनेशनल ऑथर एंड अ वेरी गुड ट्रेनर और वी आर ट्राइंग फॉर नेक्स्ट वीक, ही इज ऑलरेडी इन बे एरिया और हमारी पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट थर्सडे को वो हमारे साथ स्टूडियो में जरूर ज्वाइन करेंगे। awesome. और मैं जरूर चाहती हूँ कि हमारे लिसनर्स उन्हें सुने और जरूर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने की कोशिश करें। बिल्कुल लिसनर्स, इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट BeHappySanJose.org। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रिविया क्वेश्चन की और, तो रेवा जी आज का ट्रिविया क्वेश्चन हमारे लिसनर के लिए है कि जैसे कि रेवा जी ने बताया कि अगर कोई भी विंडो नहीं है बच्चों के स्टडी रूम में एट ईस्ट वॉल, तो इफ देयर इज नो विंडो इन चिल्ड्रन स्टडी रूम एट ईस्ट वॉल, हाउ कैन इट बी रेक्टिफाइड। सो दैट इज द ट्रिविया क्वेश्चन फॉर ऑल अवर लिसनर्स और हमें इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे लिसनर्स को ये आंसर पता ही है। तो स्टूडियो का नंबर है 5107701550। हमारे पास में तीन तीन इनाम हैं और हमारे स्पॉन्सर जो मेन स्पॉन्सर है रॉयल राइज, उनको हम फिर से थैंक यू कहना चाहेंगे। तो बढ़े हमारे लिसनर्स की ओर रिवाजी। जी बिल्कुल। ऑल राइट, लेट्स टेक अवर फर्स्ट कॉलर ऑन एयर। हेलो। यस मैम। यस, डू यू नो द आंसर फॉर दिस ट्रिविया क्वेश्चन? नो, आई एम जस्ट कॉलिंग टू क्वेश्चन। सॉरी, अभी तो हम ट्रिविया खेल रहे हैं सर, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलर। हेलो, वेलकम टू द शो। हेलो जी, ट्रिविया क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आई थिंक देयर आर मल्टीपल रेमेडीज फॉर दैट, सो ग्रीन कलर का बल्ब लगाना है और पेंट करना है सिल्वर कलर का। हमारा सवाल ये है कि अगर बच्चे के रूम में, स्टडी रूम में अगर वो पढ़ते हैं और ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ते हैं, ईस्ट वॉल पर अगर बंद है, कोई विंडो नहीं है बच्चों के स्टडी रूम में, इफ देयर इज नो विंडो ऑन द ईस्ट वॉल और ईस्ट वॉल इज ब्लॉक्ड, हाउ कैन वी कैन रेक्टिफाई दैट दे शुड
concentrate properly in their studies? This is our question. Okay, then I don't know. नो प्रॉब्लम. अगर आपको जवाब नहीं पता है तो आप दिमाग पर थोड़ा सा जोर दीजिए. रेवा जी ने इसके बारे में बात की थी शो के दौरान. और हमारा स्टूडियो का नंबर 5107701550 है. एंड लिसनर्स, अगर आप सवाल नहीं सुन सकें तो सवाल एक बार फिर बता दूं. हाउ कैन यू रेक्टिफाई इफ देर इज नो विंडो इन चिल्ड्रन स्टडी रूम एट ईस्ट वॉल, इफ दे आर फेसिंग ईस्ट वॉल, राइट रेवा जी? ठीक है, लेते हैं इस कॉलर को, देखते हैं इनको जवाब पता है क्या. वेलकम टू द शो. आई थिंक आई हैव आंसर. आई एम नॉट श्योर दिस इज द राइट आंसर दो. गो अहेड. आई थिंक इफ दैट्स द प्रॉब्लम दैट इफ कीड इज हैविंग इन द रूम, द विंडो इज नॉट इन द राइट डायरेक्शन और समथिंग, देन वी कैन रेक्टिफाई बाय मे बी पुटिंग द येलो कलर ऑन दैट वॉल. ठीक है, थैंक यू सो मच. व्हाट्स योर नेम प्लीज? अश्का. अश्का, फ्रॉम वेयर यू कॉलिंग? आई एम कॉलिंग फ्रॉम फ्रेमंट. ओके अश्का, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. रेवा जी, अगले कॉलर को ऑन एयर ले रही हूँ. वेलकम टू द शो. अपना नाम बताइए. मधु फ्रॉम सैन मेटियो. जी मधु जी. अच्छा, ऐसे है उधर आपको ना राइजिंग सन की पेंटिंग लगानी चाहिए और ग्रीन कलर का बल्ब होना चाहिए, लाइट बल्ब या क्रीम कलर का लाइट बल्ब, और जो बेडशीट वगैरह होती हैं पिंक कलर की लाइट यूज करनी चाहिए. थैंक यू सो मच मधु जी. हमें अभी रेवा जी सबके नाम लिख रही हैं जो सही जवाब दे रहे हैं उनका. और आप सुनते रहिए हमारा शो डिवाइन वास्तु पर. लेते हैं हमारे अगले कॉलर को. वेलकम टू द शो. हाई, आई थिंक देवी जी टोल्ड लाइक यू हैव अ राइजिंग सन का पिक्चर होना चाहिए, या जैसे कि कोई फ्रेम होना, लाइक यू नो द पिक्चर और वट एवर द कोई क्या बोलते हैं उसको, राइजिंग सन का पिक्चर होना चाहिए वहाँ पर. ओके, अपना नाम बताइए. जसमीत. जसमीत. या फ्रेमॉन्ट. जी, थैंक यू सो मच जसमीत फॉर कॉलिंग. थैंक यू. थैंक यू लिसनर. 5107701550 हमारे स्टूडियो का नंबर है. एंड इफ यू आर ट्राइंग, निराश मत होइए, हम ले रहे हैं आपके कॉल भी ऑन एयर. वेलकम टू डिवाइन वास्तु. अपना नाम बताइए. माय नेम इज मधु फ्रॉम हेवर्ड. अनादर मधु फ्रॉम हेवर्ड दिस टाइम. ओके मधु जी, बताइए. नमस्ते रेवा जी, आई होप यू रिकॉग्नाइज मी. यस मधु, आई ऑलवेज रिकॉग्नाइज यू. हाउ आर यू बेटा? I'm doing good, रेवा जी, थैंक यू सो मच. आप कैसे हो? बस ठीक हूँ मधु. लेट्स सी आपका क्या आंसर है. पेंटिंग ऑफ द राइजिंग सन, रेवा जी. चलिए ठीक है, थैंक यू. थैंक यू सो मच मधु जी, स्टे ट्यून्ड जी. वेलकम टू डिवाइन वास्तु. अपना नाम बताइए. अपर्णा. वेर आर यू कॉलिंग फ्रॉम अपर्णा? सनीवेल. यस अपर्णा, गो अहेड विथ योर आंसर. हम सिल्वर कलर का कुछ लगा सकते हैं या फिर एक मिरर लगा सकते हैं अगर ईस्ट साइड ब्लॉक्ड है तो. ऑलराइट, वी हैव नोटेड डाउन योर आंसर एंड योर नेम अपर्णा. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग डिवाइन वास्तु. गो अहेड विद योर नेम एंड योर आंसर. हाय, माय नेम इज रिंकू फ्रॉम फ्रेमॉन्ट. यस रिंकू, प्लीज गो अहेड. राइजिंग सन की पेंटिंग होनी चाहिए. ऑलराइट रिंकू, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. प्लीज गो अहेड विद योर नेम. Hi, this is Priyanka from Dublin. Yes, Priyanka. And there should be a rising sun painting in the room, and the colors of the wall should be in light color. For the boy, it should be silver, and for the girl, it should be pink. Great. Thank you so much, Priyanka. Welcome to Divine Vastu. Apna naam bataiye. Yeah, mera naam Anjali hai. Where are you calling from, Anjali? I'm calling from Fremont. Yes, Anjali. Go ahead with your answer. Yeah, Areva ji, the picture should be of rising sun, and the wall and the color of, we have to put some light color on the walls. All right. Thank you so much for Anjali for calling. Go ahead with your name. My name is Gurjeet. I'm from Fairfield. Rising sun ki picture honi chahiye. Gurjeet, aapne naam bataya? Haan ji. Thank you so much, Gurjeet. ऑल राइट, रेवा जी ने इशारा कर दिया है कि ये हमारी आखिरी कॉलर थी. सो गुरजीत, लकी यू, यू वर अवर लास्ट कॉलर. अब रेवा जी, आप सबके नाम जिन्होंने करेक्ट जवाब दिए हैं उनके नाम डाल रही हैं रैफल में, देखने के लिए कि कौन जीते हैं. और ये तो रेवा जी बताएंगे कि आज हमारे पास में फर्स्ट विनर है और सेकेंड विनर है, पर थर्ड विनर भी है या नहीं ये मुझे पता नहीं, तो ये रेवा जी बताएंगे. पर तब तक मैं आपको बता दूं कि हमारे विनर जो हैं उनको क्या मिलने वाला है. एंड रेवा जी, मुझे
करेक्ट कर सकती है अगर मैं मिस्टेक कर रही हूं इसमें तो. सेकंड विनर को मिलेगा एक राइस बैग रॉयल राइस की तरफ से और फर्स्ट विनर को मिलेगा रेवा जी एक टिकट. जी हाँ हमारा फर्स्ट विनर को मिलेगा एक टिकट है और लव इश्क मोहब्बत इसका एक टिकट. फर्स्ट का हमारा दो टिकट है. ओके फर्स्ट के सो थर्ड विनर को एक टिकट मींस ओके सो लिसनर ऑल राइट यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस हो गए क्योंकि एक दो और तीन विनर हो गए हमारे पास. फर्स्ट वाले को मिलेंगे टू टिकट्स ऑफ लव इश्क मोहब्बत. वाओ व्हाट अ वंडरफुल ट्रीट इट इज टू गो एंड सेलिब्रेट विद योर लव द वैलेंटाइंस डे ईव जो कि है 14 फरवरी को गोल्डन पीकॉक हेवर्ड में रेडियो जिंदगी आपके लिए लेकर आ रहा है लव इश्क मोहब्बत. तो जरूर अगर आप जीतते हैं तो सेलिब्रेट करिए अपने लव के साथ में. तो फर्स्ट विनर को मिलेंगे दो टिकट. सेकेंड विनर को मिलेगा रॉयल राइस की तरफ से एक बैग राइस का बैग और थर्ड विनर को मिलेगा एक टिकट ऑफ लव इश्क और मोहब्बत. लिस्नर्स आज का सुनीता ने सवाल किया था ट्रिविया में कि अगर बच्चों का स्टडी रूम है कोई भी डायरेक्शन में जैसे हम लेते हैं जैसे नॉर्थ में है या ईस्ट में है या कोई पर्टिकुलर उस रूम की अगर ईस्ट वॉल अगर ब्लॉक है वहां पर विंडो नहीं है तो उसको हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं. जी हम इस सवाल का जवाब ये था कि पर्टिकुलर ऑन दैट वॉल टू गिव ड्राइविंग फोर्स टू द चाइल्ड यू कैन गो फॉर द राइजिंग सन पेंटिंग और यू कैन पुट एनी मेटल सन फेस. या तो मेटल का सन फेस लगा सकते हैं या राइजिंग सन का पेंटिंग लगा सकते हैं अगर पर्टिकुलर रूम में हमारे पास में ईस्ट का वॉल नहीं मिलेगा. आज में जितने भी हमारे साथ में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. अश्का फ्रॉम फ्रीमोन, मधु फ्रॉम सेंट मैटियो, जसमीत फ्रॉम आपका फ्रीमोन से जी हाँ, मधु फ्रॉम हेवर्ड, अपर्णा फ्रॉम सनीवेल, रिंकू फ्रॉम फ्रीमोन, प्रियंका फ्रॉम डबलिन, अंजलि फ्रॉम फ्रीमोन एंड गुरजीत फ्रॉम फेयरफील्ड. और एक दो कॉलर्स और थे पर उनका जवाब सही नहीं था. जो पहला कॉलर थे उनका सवाल नहीं ले पाए थे सही. तो अगर इसके हिसाब से देखते हैं जिनका हमारा आज का आंसर सही था जिन्होंने सही आंसर दिया. जसमीत योर आंसर वाज राइट दैट द राइजिंग सन पेंटिंग बिल्कुल सही कहा आपने. मधु फ्रॉम हेवर्ड आपका आंसर बिल्कुल सही था. थर्ड हमारे पास में रिंकू फ्रीमोन आपका आंसर सही था. प्रियंका फ्रॉम डबलिन आपका आंसर सही था. अंजलि फ्रॉम फ्रीमोन आपका सही आंसर था. गुरजीत फ्रॉम फेयरफील्ड आपका और मधुजी फ्रॉम सेंट मैटियो उनका आंसर भी सही था. मधुजी फ्रॉम सेंट मैटियो आपका आंसर भी सही था जिसमें से सिर्फ हमने पर्टिकुलर ईस्ट विंडो पूछी थी पूरे रूम को नहीं पूछा था इसलिए आधा आंसर मधुजी आपका भी सही था. अगर हम इन सबसे देते हैं तो अभी हमारा जो हमने रेफर किया है इसमें से जो हमारा फर्स्ट विनर आए हैं जिन्होंने टू टिकट्स विन किया है किसका दैट्स अ वैलेंटाइंस डे के लिए कौन सा शो है जी आपका. जी लव इश्क और मोहब्बत. लव इश्क मोहब्बत दैट इज द फर्स्ट विनर इज द जसमीत जिन्होंने टिकट विन किया है टू टिकट्स दे हैव विन. सेकंड जिन्होंने आपका रॉयल राइस का बैग विन किया है शी इज मधु फ्रॉम हेवर्ड आपका विन किया है. थर्ड जिन्होंने एक टिकट विन किया है शी इज फ्रॉम गुरजीत फ्रॉम फेयरफील्ड. ऑसम तो हमारे लकी विनर्स आपको बहुत बहुत बधाइयां. चलिए मैं आपके लिए ताली बजा देती हूँ. जसमीत फ्रॉम फ्रीमोंट इन्होंने दो टिकट जीते हैं लव इश्क मोहब्बत के. जसमीत जी आप मुझे ईमेल करेंगे rjsunita@radiozindagi.com. अगेन द ईमेल एड्रेस इज rjsunita@radiozindagi.com. और गुरजीत जी फ्रॉम फेयरफील्ड आपने एक टिकट जीता है तो आप भी मुझे ही ईमेल करेंगे rjsunita@radiozindagi.com. आप दोनों मधु फ्रॉम हेवर्ड जी मधु फ्रॉम हेवर्ड आपने रॉयल राइस की तरफ से एक राइस बैग जीता है. सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द थ्री विनर्स. आप याद रखिए कि अगले आप तीनों को मुझे ईमेल करना है rjsunita@radiozindagi.com पर और अगले गुरुवार के शो के पहले यानी मैं तो कहूंगी वीकेंड तक ही मुझे ईमेल कर दीजिए ताकि आपके प्राइज आप तक पहुंचा दिए जाएं. सो रेवा जी समय तो बिल्कुल भी नहीं बचा है लेकिन एक बार फिर से हमारे लिसनर को याद दिलाना चाहती हूं जो आप स्पेशल प्रमोशन लेकर आई हैं हमारे लिसनर्स के लिए. जी हाँ बिल्कुल स्पेशल हम लेकर आए हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस और होम दोबारा अगर आप इकट्ठा ही सबका लेते हैं तो हम आपको एक डिस्काउंट पैकेज देते हैं जहां दोनों ही जगह हम विजिट करके उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको बता सकते हैं कि कैसे करें. जी बिल्कुल. और लिसनर्स अगर आप रेवा जी से इसके बारे में और डिटेल में पूछना चाहते हैं तो आप रेवा जी से कंसल्ट कर सकते हैं. नंबर है 510-868-3338. नंबर वंस अगेन इज 510-868-3338.
divinevastu.net ये उनकी वेबसाइट है जहां पर आप जाकर सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं एंड divineavc@gmail.com उनका ईमेल एड्रेस है. सो लिसनर्स, अब हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, बट क्विकली रेवा जी, जाते जाते एक छोटी सी टिप हमारे लिसनर्स के लिए. जी हाँ, बिल्कुल समय हो गया, लेकिन फिर भी मैं जल्दी से आपको टिप देना चाहूंगी स्पेशल फॉर द किचन. इफ यू आर हैविंग ए किचन इन द नॉर्थ वेस्ट, that always remember that is not good, because the northwest kitchen eats up your opportunities, vanish education and brings breathing troubles also. So try that we should not have a kitchen in the northwest. थैंक यू सो मच रेवा जी. और बच्चों के लिए हमें बहुत कुछ सवाल पूछने थे पर आज नहीं पूछ पाए, फिर कभी रेवा जी. बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द एयर. लिसनर्स, ये थी डिवाइन वास्तु से रेवा कुमार, हु इज अ सुपर स्पेशलिस्ट विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड हु इज ऑल्सो फेलिसिटेटेड बाय नन अदर देन प्रेसिडेंट ओबामा, एंड शी हैज अ PhD इन वास्तु. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू गिव अ कॉल फॉर प्राइवेट कंसल्टेशन. नंबर इज 5108683338. Now, until next time, this is RJ Sunita Raj saying adios, bye-bye to all of our dear listeners. Keep smiling and make others smile with you. Chiyajya! Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the five elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.